हे वेलकम बैक, मैं राकेश फिटनेस कोच स्वागत करता हूँ आपका फिजिक एडिटर में। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ अब एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं। काफ़ी सारे बच्चे जो इस वक्त एग्ज़ाम का हिस्सा होने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में पार्ट लेने वाले हैं, उन लोगों के लिए मैं ख़ास करके ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ आदतें हैं जिन्हें हम सीखने वाले हैं आज इस वीडियो में, कुछ न्यूट्रिशन के तरीके हैं जिन पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ताकि हमारे ब्रेन का जो फंक्शन है वो बूस्ट हो और हमारा जो मेंटल कॉन्सेंट्रेशन है, मेंटल फोकस है, मेंटल अलर्टनेस है, वो बढ़े। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको इस तरह के कंटेंट, इस तरह के वीडियोस, इस तरह के हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड नॉलेजेस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हे गाइस, वेलकम टू फिजिक एडिटर, मैं हूँ राकेश। आज बात करेंगे ब्रेन फंक्शन को हम किस तरह से बूस्ट करें। गाइस, एक हेल्दी फिजिक के लिए एक हेल्दी ब्रेन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेन ही वो ऑर्गन है, ब्रेन ही वो पार्ट है जो आपके बॉडी के अदर सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, सिग्नल देता है। गाइस, ब्रेन फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए आपके न्यूट्रिशन का सही होना बहुत ज़रूरी है, आपके लाइफ के सर्टन स्टाइल का सही होना बहुत ज़रूरी है। वरना आप अगर मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाएंगे तो आपका फिजिक भी आपका साथ छोड़ देगा, आप फिजिकली भी स्ट्रेस हो जाएंगे। गाइस, ब्रेन जब वीक पड़ जाता है तब आपका इनडेप्थ सोचने का जो क्षमता है वो वीक पड़ जाता है। मतलब ओवर एंड ओवर आपका एक मेंटल फोकस, मेंटल कॉन्सेंट्रेशन, ये सारी चीज़ें आपके वीक पड़ जाते हैं, क्योंकि ब्रेन हमारे बॉडी के अदर सारे ऑर्गन्स को हमेशा चलाता रहता है, हमारे बॉडी के अदर सारे ऑर्गन्स को सिग्नल देता रहता है। इसके लिए हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है कि हम ब्रेन को हमेशा एक पौष्टिक खाना प्रोवाइड करते रहे, एक अच्छा विटामिन मिनरल और फैट, गुड सोर्स ऑफ फैट्स उसे प्रोवाइड करते रहे, ताकि उसका जो फंक्शनिंग है वो हमेशा बेटर एंड बेटर होता रहे। गाइस, ब्रेन का इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, बट अब बात करते हैं ब्रेन डेवलपमेंट की, ब्रेन न्यूरॉन्स की। तो क्या होते हैं ब्रेन के ये न्यूरॉन्स? गाइस, आज से कई साल पहले हमें लगता था कि ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो एक सर्टन एज लिमिट तक ही है, सर्टन एज तक ही वो ब्रेन का डेवलपमेंट लिमिटेड है, उसके ऊपर ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा। बट आज का साइंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता, आज का साइंस ये मानता है कि आपका जो ब्रेन है वो डेवलप होते रहता है, होते रहता है, आपके मरते दम तक डेवलप होते रहता है। आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है वो हमेशा नए 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 डेवलप होते रहते हैं। बट पहले का साइंस ऐसा नहीं कहता था, लेकिन आज का साइंस ये कहता है कि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हमेशा से डेवलप होते रहते हैं, हमारा ब्रेन हमेशा से नया नया सीखता रहता है और डेवलप होते रहता है। तो किस तरह से हमें अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को डेवलप करना है, आज इस बारे में पहले हम ये बात करेंगे। गाइज, यहाँ पे ब्रेन के न्यूरॉन को बूस्ट करने के लिए कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। सबसे पहला टिप है कि जब आप सुबह उठ के ब्रश करते हैं, तो अगर आप राइट हैंड से ब्रश करते हैं तो ध्यान रखें कि एक दिन आप लेफ्ट हैंड से ब्रश करना शुरू करें। जब आप ऐसा करेंगे, इससे क्या होगा कि आप लेफ्ट हैंड यूज़ कर रहे हैं तो बॉडी जो है ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि ये कुछ अलग टाइप का मूवमेंट जो है ये शुरू हो गया है मेरे अंदर, ये कुछ अलग मूवमेंट हो रहा है। अगर आप राइट लेग में सॉक्स पहनते हैं तो मेक श्योर कि आप लेफ्ट लेग में सॉक्स पहनना शुरू करें। इससे बॉडी जो है ब्रेन को सिग्नल करेगा कि ये कुछ अलग मूवमेंट है, कुछ नया मूवमेंट हम सीख रहे हैं। इससे आपके ब्रेन के जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो सारे क्रिएट होने लगेंगे, सारे एक्टिवेट होने लगेंगे। गाइस, इस तरह के शेड्यूल को, इस तरह की चीज़ों को आप अपने लाइफ में इंक्लूड करके देखें कि किस तरह से उस पर्टिकुलर मूवमेंट पर आपका ब्रेन जो है एक अलर्टनेस का सिग्नल भेजेगा आपकी बॉडी को कि ये कुछ नया मूवमेंट मैंने ऐड किया है, इस पर मुझे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है। लाइक सॉक्स पहनना, लेफ्ट हैंड से ब्रश करना अगर आप राइट ही है तो। गाइस, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन की। तो सर्टेन न्यूट्रिशन किस तरह से हमें वीक बाय वीक अपने ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, किस तरह से वीक बाय वीक हमारा ब्रेन जो है मेंटली अलर्ट होता जाएगा और आपका फोकस बढ़ता जाएगा, एक कॉन्सेंट्रेशन पावर आपका बढ़ेगा। कुछ चीज़ें जो आपको इस वक्त अपनी डाइट में इंक्लूड करना है उनमें से है एवोकाडो, ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, एग योक्स, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सैलमन, टर्मरिक, आलमंड एंड वॉलनट्स, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इस वक्त अपने डाइट में ज़रूर से इंक्लूड करना ही करना है, ताकि आपका ब्रेन फंक्शन जो है वीक बाई वीक इम्प्रूव होता रहे। वेल, अगर आप एवोकाडो ना ले पाए तो इट्स ओके, क्योंकि हमारे इंडियन एनवायरनमेंट में एवोकाडो जो है वो इतना इजीली अवेलेबल होता नहीं है। लेकिन आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल को ज़रूर से कंसिडर करें। कोकोनट ऑयल में ऑलमोस्ट 60% तक MCT होता है, MCT यानी मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड,
जो कि आपके ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सिर्फ आपके ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए ही नहीं, आपके बॉडी के अदर सारे फंक्शनिंग के लिए, जैसे आपका डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया और भी सारे अदर ऑर्गन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। गाइस, एग योक और सैलमन ये भी एक हाई फैट रिच्ड फूड है, जो कि एवरीडे खाना इट्स नॉट आइडियल, बट अगर आप बात करें ब्रेन फंक्शनिंग को बूस्ट करने की, तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। आपके ब्रेन के फंक्शंस को, आपके मेंटल कॉन्सेंट्रेशन को बूस्ट करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपको ये सब फूड स्पेशली एग्ज़ाम के पहले कंसिडर करना है, ताकि आपका जो ब्रेन है वो उतने ही अच्छी तरीके से फंक्शन करे, आपका जो रिमेम्बरिंग पावर है, जो याद रखने की क्षमता है, वो उतना बढ़े। गाइस, बात करें वॉलनट की, तो वॉलनट एक प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 न्यूट्रिएंट रिच फूड है, जो कि हमारे ब्रेन फंक्शनिंग एंड ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल भी टेंशन ना ले, क्योंकि ब्रेन जो है हमारा मध्य दम तक डेवलप होता रहता है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके अंदर जाने के बाद आपके ब्रेन डेवलपमेंट में अमेजिंग बेनिफिट दिखाएंगे, हेल्प करेंगे, वो भी अमेजिंग तरीके से। आलमंड्स की बात करें तो उसमें भी मैग्नीशियम होता है, उसमें भी कई सारे टाइप के न्यूट्रिएंट एंड फैट्स होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन फंक्शनिंग, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वेल, बात करें टर्मरिक की, यानी हल्दी, जो हम नॉर्मली हमारे सब्जियों में डाला करते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट रिच फूड है, जो कि हमारे ब्रेन डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। हमारे ब्रेन में ब्लड के सर्कुलेशन को वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाते हैं। ब्रेन में जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसे इम्प्रूव करते हैं। एक तरफ से आप कह सकते हैं कि ब्लड एंड ब्रेन का जो बैरियर है वो इंक्रीज करते हैं, क्योंकि आजकल हमारा डाइट ऐसा हो गया है कि लाइक हाई शुगर, हाई स्पाइस, पेस्ट्री, केक एंड हाई शुगर चीज़ ही खाते हैं हम, इसीलिए हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं ब्लड जो है वो उतने अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाता। टर्मरिक हेल्प करता है हमारे ब्रेन में ब्लड को पहुंचाने में, और ब्लड और ब्रेन के बैरियर को क्रॉस कराता है। गाइज, यहाँ पे मैं आपको क्विक एक पूरे दिन का एक न्यूट्रिशन का एक प्लान बता देता हूँ, कि किस तरह से आपको पूरे दिन का एक न्यूट्रिशन प्लान रखना है आपके एग्ज़ाम के पहले से लेकर के आपके एग्ज़ाम तक, ताकि आपका ब्रेन पावर जो है वो बूस्ट हो सके। तो शुरुआत करना है आपको सुबह से, सुबह लेना है आपको 1 ग्लास गर्म दूध, उसके साथ आपको उसमें हल्दी ऐड करना है, वो दूध आप पिए वॉलनट्स और आलमंड्स के साथ में, ये आपको बहुत अच्छा एक ब्रेन बूस्टिंग में काम करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लंच की, तो लंच में भी आप जो सब्ज़ी बनाएंगे उसमें मेक श्योर कि आप कोकोनट ऑयल ऐड करें या फिर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऐड करें। और बात करते हैं हम शाम की, तो शाम का भी आपका जो ब्रेकफास्ट होगा उसमें आपको ऐड करना है वॉलनट्स, आलमंड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एंड मेक श्योर रात को सोने के पहले भी आपको 1 कप ऑफ मिल्क लेना है। उसमें ऐड करना है आपको एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, जी हाँ, ये जो कोकोनट ऑयल है एक्स्ट्रा वर्जिन, ये आपको रात को सोने के पहले लेना है, ताकि आपका बॉडी में, आपके ब्रेन में जो फैट है ना, रात को पूरी रात ये आपके ब्रेन में जाएंगे और ब्रेन को बेटर करेंगे। पूरी रात जब आप सोएंगे तो ये जो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है आपके ब्रेन में धीरे 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 पहुँचेंगे और आपके ब्रेन को एक हेल्दी और एक बूस्टिंग स्टेट में लाएंगे। गाइस, बात करेंगे कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, एग योक्स, सैलमन, तो ये सब फूड आप दिन में किसी भी समय ले सकते हैं, कोई भी टाइम में ले सकते हैं, ये टाइम रिस्ट्रिक्टेड फूड नहीं है। सुबह लीजिए, दोपहर को लीजिए, या रात को लीजिए, या स्नैक्स में लीजिए, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कौन से टाइम में आप मील ले रहे हैं। बट मेक श्योर कि आप कोई वर्स्ट मील ना ले, जैसे कि इंडिया का वड़ा पाव हो गया, ऐसे टाइप के मील आप बिल्कुल ना ले। उन सब को स्किप करके आप घर से ये सब कैरी कर सकते हो, ताकि आपके बॉडी के अंदर एक हेल्दी मील पहुंचे, आपके ब्रेन तक एक हेल्दी फैट्स पहुंचे। गाइस, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ हैबिट्स के बारे में, कि किस तरह से कुछ आप ही के हैबिट्स आप ही के ब्रेन फंक्शंस को इम्प्रूव होने से रोक रहे हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे लैक ऑफ स्लीप की, जी हाँ बिल्कुल, आप जब रात को सोने जाते हैं तो सोने के पहले आप ऑलमोस्ट आप लोग में से सभी लोग मोबाइल लेकर के बिजी रहते होंगे, जो आपका स्लीपिंग टाइम है इसकी वजह से बहुत छोटा हो जाता है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में आ जाता है, इसका मतलब आपको एक कंप्लीट नींद नहीं मिल पाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ये एक ऐसा टाइम है जब आपको कंप्लीट नींद लेना है, ताकि आपका ब्रेन जो है कंप्लीटली रिकवर हो सके, कंप्लीटली हेल्दी फील कर सके, वो कंप्लीटली एनर्जेटिक फील कर सके सुबह उठने के बाद, ताकि वो आपको रिटर्न में एक अच्छा एनर्जी दे। अगर आप कंप्लीट नींद नहीं ले पाएंगे तो आपका ब्रेन जो है वो थका हुआ रह जाएगा, और अगर वो थका हुआ रह गया तो आपको वो एनर्जी बिल्कुल नहीं देने वाला है। आप भी कहीं ना कहीं अपने मेंटल फोकस, मेंटल कॉन्सेंट्रेशन पे लैक करेंगे, लर्निंग पे आप लैक करेंगे, कहीं ना कहीं आप प्रॉपर अपने क्लास में प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पाएंगे। अगर आप अच्छे से सो पाएंगे, एक हेल्दी नींद आप ले पाएंगे,
तो आपके ब्रेन से जितने भी टॉक्सिक कंपाउंड्स है वो सारे धीरे 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 रिलीज होते जाएंगे। वेल, नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि प्रोलॉन्ग स्ट्रेस यानी लंबे टाइम का जो स्ट्रेस है वो आपके ब्रेन फंक्शनिंग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। जी हाँ, अगर आप लंबे समय से स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, लंबे समय से कोई टेंशन में है, कोई स्ट्रेस में है, तो वो आपके ब्रेन फंक्शनिंग को पूरी तरह से नीचे ही ले आएगा। वो कभी हेल्प नहीं करेगा आपके ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करने में। वेल गाइज, अगर आप एग्ज़ाम की वजह से ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं तो डोंट वरी, प्ले इट कूल। आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना करें, एट अ टाइम एक ही चीज़ पे फोकस करें। इससे आपको भी हेल्प मिलेगा किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को बेटर तरीके से करने में। गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर इंटेक की। तो ब्रेन जो होता है ना, वो वाटर के हाईली सेंसिटिव में होता है। मतलब हमारा ब्रेन जो होता है ना, ऑलमोस्ट 80% वाटर से बना होता है। और अगर आप डिहाइड्रेट रखेंगे आप खुद को एक लंबे टाइम तक, तो आपका ब्रेन जो है वो भी डिहाइड्रेट होता रहेगा। और यहीं पे आपका मेंटल डिस्ट्रैक्शन, मेंटल अलर्टनेस, मेंटल फोकस वो है जो है बहुत जल्दी लॉस होता जाएगा, एंड लॉस होता जाएगा। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि आप वाटर का जो इंटेक है, आपको प्यास लगने के पहले ही आपको पानी पीना है, क्योंकि ब्रेन जो होता है वो हाईली सेंसिटिव टू वाटर। इसलिए आप अपने वाटर इंटेक पे रेगुलर बेसिस पे ध्यान ज़रूर दें। वेल, अगर बात करूँ इन डेप्थ में, तो 2% का भी फ्लूइड लॉस हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये हमें तो इतना जल्दी समझ में नहीं आता है, बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें हम, तो हमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करता है। जिसे हम धीरे 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 समझते हैं कि अब हमारा जो मेंटल फोकस है, मेंटल कॉन्सेंट्रेशन है, वो बहुत बिगड़ चुका है। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करने वाला हूँ कि आप अपने डाइट में जितना ही ज़्यादा आप शुगर का यूज़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा जो आपका ब्रेन का जो फंक्शनिंग है ना, वो वीक होता जाएगा, डे बाय डे वीक होता जाएगा। शुगर यानी केक, पेस्ट्री, या फिर आप कोई भी बाहर का प्रोसेस फूड खा रहे हैं, उससे आपको जस्ट अच्छा फील होता है, पेट भरता है, दैट्स इट। अदर कोई ऑर्गन्स को कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। तो मेक श्योर कि आप ये जो प्रोसेस फूड है, जितना भी हाई शुगरी चीज़ें हैं, कैंडी है, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें। स्पेशली इस टाइम में तो ज़रूर से अवॉइड करें, ताकि आपका ब्रेन जो है एक हेल्दी स्टेट में आए और उस हेल्दी स्टेट में मेंटेन रहे। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करने वाले हैं, पेंटिंग एंड रीडिंग की। जी हाँ, अब आपके एग्ज़ाम टाइम में ये पेंटिंग और रीडिंग का क्या लेना देना है? तो साइंस ने ये पाया है टेस्ट करके कि जब आपका मेंटल कॉन्सेंट्रेशन वीक हो जाता है, जब आपका मेंटल अलर्टनेस लॉस हो जाता है, तब आप अगर अपना फोकस कोई पेंटिंग पे करेंगे, कोई आर्ट वर्क पे लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो मेंटल फोकस है, मेंटल कॉन्सेंट्रेशन है, वो इंक्रीज़ होता है। आपका जो मेंटल अलर्टनेस है वो भी इंक्रीज़ होता है। लाइक आपको जब खाली टाइम मिलेगा, तो अपना खाली टाइम मोबाइल में, चैटिंग में, ये सब चीज़ों पे वेस्ट ना करें। आप उस टाइम पे ड्राइंग करें या फिर कोई ऐसा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करें जिससे आपको ब्रेन को अच्छा लगे, बेटर फील हो। और साथ ही में बात करते हैं रीडिंग की। तो जब आप बुक्स रीड करेंगे, उसे थोड़ा लाउडली रीड करें। इससे क्या होगा कि जो आपके बोले हुए वर्ड्स है, वही रिटर्न आपके कानों से आपके ब्रेन तक जाएंगे। तो वो आपके अंडरस्टैंडिंग फॉर्म के लिए बहुत अच्छा होगा। वो आप कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड करेगा। वेल, कंप्यूटर गेम्स, मोबाइल गेम्स, इन सब चीज़ों को इस वक्त आप थोड़ा सा इग्नोर करें और मेरे इस बताए हुए चीज़ों को आप अपने लाइफ में यूज़ करें। गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एंड बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहा होगा। गाइज, अगर आप एक 12th के स्टूडेंट हैं, या फिर आप अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ में, लाइक कीजिए इस वीडियो को। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे एक्टिव।